आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और हम पिथौरागढ़ में हैं। यूं तो हमारी सरकारी बसें हमारे राज्य की धरोहर हैं, जिनसे इस राज्य के लोगों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये बसें न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि हमारे पहाड़ों के लोगों का एक अभिन्न हिस्सा भी है। चाहे हम कहीं भी दूसरे प्रदेश में क्यों न चले जाएं, ये बसें हमें हमेशा पहाड़ों से जुड़कर रखती हैं। इसी कारण उत्तराखंड के लोगों का इन बसों से एक गहरा भावनात्मक लगाव है और यही विशेषता उत्तराखंड रोडवेज को अलग भी बनाती है। और आज हमारी यात्रा भी पिथौरागढ़ से लखनऊ तक होने वाली है, जहाँ पिथौरागढ़ और उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी जनसंख्या निवास भी करती है। अब इस बस रूट की बात करें तो ये बस पिथौरागढ़ से शुरू होकर लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, खटीमा, पीलीभीत, पूरनपुर, खुटार, गोला, लखीमपुर खीरी और सीतापुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। इस यात्रा में यह बस 491 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसे पूरा करने में लगभग 16 से 17 घंटे का समय लगेगा। पिथौरागढ़ से लखनऊ तक इस बस का किराया 820 रुपए है। यदि आप चाहें तो बस में ऑनलाइन टिकट भी बुक करा सकते हैं। फिर हम पिथौरागढ़ डिपो की वर्कशॉप से बस अड्डे की तरफ चल पड़े। अब इस बस सेवा की बात करें तो पिथौरागढ़ डिपो ने इस रूट की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। लखनऊ में उत्तराखंड के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है और यात्रियों की लंबे समय से इस रूट को शुरू करने की मांग भी थी, जो नए साल के मौके पर पूरी हुई। पहले लखनऊ जाने के लिए यात्रियों को टनकपुर या हल्द्वानी का रुख करना पड़ता था, जहां उन्हें बसें बदलनी पड़ती थी। लेकिन सीधी बस सेवा शुरू हो जाने के बाद इसका लाभ न केवल जिले के लोगों को मिल रहा है, बल्कि लखीमपुर और सीतापुर से आने वाले कामगारों को मिल रहा है, जो लोहाघाट, चंपावत और पिथौरागढ़ में काम करने के लिए आते हैं। आज पिथौरागढ़ डिपो का यह रूट सफल रूटों में से एक है, जो पिछले 7-8 सालों से लगातार चल रहा है। बसें अच्छी हो और सेवा बेहतर हो तो यात्री ही उस रूट को सफल बनाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद हम पिथौरागढ़ बस स्टेशन पहुंच गए, जो वर्कशॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां से हमारी बस 9:30 बजे निकलेगी। यहाँ ऊपर पिथौरागढ़ डिपो का कार्यालय भवन है और यहाँ से पूरा बस स्टेशन भी देखा जा सकता है। यहाँ पिथौरागढ़ से प्रतिदिन पिथौरागढ़ डिपो द्वारा 20 बसों का संचालन किया जाता है। अभी यहाँ पर देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ रूट की बसें भी खड़ी हैं। आज की इस यात्रा में हमारे चालक पुष्कर जी और परिचालक बेस जी होंगे और टनकपुर से अरविंद जी इस बस को लखनऊ तक लेकर जाएंगे। यूटीसी के वो रूट जो पहाड़ से चलते हैं, उनमें पहाड़ के लिए अलग और मैदानी मार्गों के लिए अलग ड्राइवर होते हैं।
कुछ ही देर में हम 11 देवी पहुंच गए। यहां से कई गांव के लिए रास्ते निकलते हैं, जिनमें सिरपौली, कांटे और पनगर गांव शामिल हैं। इन गांवों को जोड़ने के लिए गुरना से एक सड़क भी बनाई गई है। यह पिथौरागढ़ डिपो की सौर घाटी एक्सप्रेस बस है, जो देहरादून से आ रही है। लगभग 10:30 बजे हम गुरना मंदिर पहुंच गए। यहां कोई वाहन रुके या ना रुके, लेकिन यूटीसी की सारी बसें यहां जरूर रुकती हैं। यात्री भी गुरना माता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। वैसे यह मंदिर पाषाण देवी का है। गुरना गांव के निकट होने के कारण इसे गुरना मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यहां हर साल पिथौरागढ़ डिपो द्वारा गुरना मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यह इसी रूट की दूसरी बस है, जो कल शाम लखनऊ से निकली थी। फिर माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे चल पड़े। अब यहाँ से कृपाल जी इस बस को चलाएंगे। ग्यारह बजे हम घाट पहुंच गए। यहां घाट में 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं, और यहां से अल्मोड़ा, गंगोलीहाट और टनकपुर को जाने का मुख्य रास्ता है। घाट पुल को पार करने के बाद हम चंपावत जिले की सीमा में आ गए, और इस पुल के ठीक नीचे सरयू नदी बह रही है, जो आगे पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है, जो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर आपको याद हो तो यह साल 2014 की बात है, जब अल्मोड़ा रोड पर ध्याड़ी के पास पिथौरागढ़ डिपो का अब तक का सबसे बड़ा सड़क हादसा हुआ था। पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही बस, जो दनिया होकर जा रही थी, ध्याड़ी के पास 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि बस चालक समेत 21 यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, और कई अन्य लोग घायल भी हो गए थे। इस हादसे का मुख्य कारण तकनीकी खराबी थी। पहाड़ों में चलने वाली बसों की स्थिति ठीक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यात्री मुख्य रूप से रोडवेज की बसों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इन बसों का रखरखाव और उनकी स्थिति का सही होना अत्यंत आवश्यक है।
11 बजे हम बाराकोट पहुंच गए। यहां हमारी बस 20 मिनट के लंच ब्रेक के लिए रुकेगी। यदि आप भी पिथौरागढ़ से टनकपुर की तरफ आ जा रहे हैं तो यह रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। यहाँ का खाना और सफाई बहुत अच्छी है, तो आप भी बिना झिझक के खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। फिर यहाँ बाराकोट में खाना खाने के बाद हम आगे चल पड़े। अब बात करते हैं इस बस के रूट और इससे जुड़ी जानकारी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था, पिथौरागढ़ डिपो ने यह रूट 2017 में शुरू किया था और इस रूट पर संचालन के लिए पिथौरागढ़ डिपो को 3 बसों का परिचालन करना पड़ता है। दरअसल एक बस को अपना ट्रिप पूरा करने में, जिसमें आना जाना शामिल है, 3 दिन का समय लग जाता है। इसी कारण इस रूट को चलाने के लिए 3 बसों की आवश्यकता होती है। इन तीनों बसों में 5 स्थायी चालक हैं, जिन्हें ये बस स्थायी रूप से आवंटित की गई है। इनमें पुष्कर जी, कृपाल जी, अरविंद जी, कमल जी और भरत जी शामिल हैं। पुष्कर जी और कृपाल जी इन बसों को टनकपुर से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से टनकपुर तक चलाते हैं। वहीं टनकपुर से लखनऊ तक बस संख्या 4234, जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें अरविंद जी, बस संख्या 4235 जो आज शाम लखनऊ से आएगी उसमें कमल जी, और बस संख्या 4270 जो हमें गुरुनाथ मंदिर में मिली थी उसमें भरत जी चालक हैं। वैसे इन 5 चालकों ने इन बसों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। अगर बसें अच्छी तरह से मेंटेन की गई हों तो यात्रियों के लिए यात्रा करना मजबूरी नहीं बल्कि एक सुखद अनुभव बन जाता है। हमने यह वीडियो 1 साल पहले बनाई थी और तब से इन बसों की शक्ल सूरत भी काफी बदल चुकी है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 12:30 बजे हम बाबरू पहुंच गए। यहाँ नीचे खोला सुनार गांव है, जो काफी बड़ा और सुंदर है। इस गांव तक जाने के लिए यहाँ से सड़क भी है और यहाँ सड़क किनारे कुछ दुकानें भी हैं, जहाँ रोजमर्रा का सामान मिल जाता है। बापरू के बाद हम मरोड़ा खान पहुंच गए। यहां से एक सड़क एबट माउंट की ओर जाती है, जो उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस जगह की खोज ब्रिटिश व्यापारी जॉन हेरोल्ड एबट ने की थी। आज यहां ब्रिटिश काल के कुछ भवन अभी भी मौजूद हैं और इस छोटे से हिल स्टेशन को यूरोपीय शैली में बसाया गया है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहां शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में शांति और सुकून का आनंद ले सकते हैं। बारह बजकर 15 मिनट पर हम लोहाघाट में प्रवेश कर गए। यह लोहाघाट का मेन मार्केट है, जहां जरूरत का सारा सामान मिल जाता है और यह आसपास के क्षेत्र का एक मेन मार्केट भी है। कुछ ही देर में हम लोहाघाट के बस अड्डे पहुंच गए, जो यूटीसी का सबसे खूबसूरत बस अड्डों में से एक है। लोहाघाट में इस बस का ठहराव अधिक नहीं होता, यह बस केवल यात्रियों को उतारने और बैठाने के लिए ही रुकती है। फिर लोहाघाट से कुछ सवारियों को बैठाने के बाद हम चंपावत की ओर बढ़ गए। यहाँ लोहावती नदी के किनारे शिवालय मंदिर है, जो नगर का एक प्रमुख मंदिर है। लोहाघाट से कुछ सवारियां बैठी तो भूपेश जी उनका टिकट बनाने में व्यस्त हो गए।
एक बजे हम चंपावत के बस स्टेशन पहुंच गए। यहां पर यह बस 15 मिनट के लिए रुकेगी। परिवहन निगम आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करता है। फिर चंपावत में चाय पानी पीने के बाद हम आगे की ओर चल पड़े। यहाँ सड़क के किनारे यह जमींदार बाबा का मंदिर है। 1:30 बजे हम बनलेक पहुंच गए। यहाँ से नौनचूला मंदिर तक ट्रैकिंग रूट भी है, जो बनलेक से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नौनचूला मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो चारों ओर का नज़ारा, खासकर हिमालय का, अद्भुत होता है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे का यह हिस्सा अभी काफी संवेदनशील हो चुका है। हाल में ही इस हाईवे को 17 दिन तक बंद रखना पड़ा था, जिसे लोगों को काफी परेशानियां हुई थी। भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं, जिसमें आम जनता और परिवहन सेवाओं को भारी नुकसान होता है। इसका प्रभाव UTC की बस सेवाओं पर भी पड़ता है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में टनकपुर से पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क का काम निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन बारिश के मौसम में यह हाईवे कई स्थानों से बंद हो जाता है। बाकी समय में इस हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहता है। ऊपर से गिरता है ना, हाँ। वो पानी बेकार है। जैसे ऊपर से गिरेगा, हम यहाँ से भर रहे हैं, वो बेकार, वो पानी बेकार। जैसे ये डायरेक्ट निकलता है, हाँ हाँ, है वो पानी। अमोड़ी के बाद हम चलथी पहुंच गए। चलथी में यह नया पुल पिछले साल ही बनकर तैयार हुआ है। लदिया नदी के ऊपर बने इस पुल की लंबाई 165 मीटर है, जबकि चौड़ाई 15 मीटर है। वही चलथी के पुराने पुल का निर्माण 1955 में हुआ था। अब इस नए पुल के बन जाने के बाद इस पुराने पुल को 68 साल की सेवा के बाद बंद कर दिया गया है। तीन बजे हम सिन्याड़ी पहुंच गए। अब हमारी बस यहां पर 15 मिनट के लिए चाय पानी के लिए रुकेगी। सिन्याड़ी और चलथी में काफी सारे ढाबे हैं, जहां हमारी UTC की बसें रुकती हैं। फिर चाय पानी पीने के बाद हम टनकपुर की ओर चल पड़े। हमारे ठीक सामने लोहाघाट डिपो की लोहाघाट दिल्ली बस है। अब यहाँ सूखी डांग से टनकपुर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर रह गई है।
साढ़े चार बजे हमारी बस अनकपुर के बस अड्डे पहुंच गई। अब हमारी बस यहां से 6 बजे निकलेगी। फिर 6 बज चुके थे और हम भी लखनऊ की ओर चल पड़े। यहाँ टनकपुर से भी काफी डायरेक्ट और लोकल सवारियाँ मिल गई। पहाड़ों में बसों में सवारियाँ भले ही कम आए, लेकिन मैदानी मार्गों में बसें अच्छी खासी भर जाती हैं। अब बात करते हैं यूटीसी के टनकपुर परिक्षेत्र से लखनऊ तक चलने वाली बसों की। यूटीसी के टनकपुर परिक्षेत्र से 2 बसों का संचालन होता है। एक बस टनकपुर डिपो की है जो सुबह जाती है, और एक हमारी पिथौरागढ़ डिपो की बस है जो टनकपुर से शाम 6 बजे निकलती है। फिर कुछ देर में हम बनबसा पहुंच गए। यहाँ पर इस बस का ठहराव ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बस की मुख्य सवारियाँ पहाड़ से होती हैं और बाकी कुछ सवारियाँ टनकपुर से आ जाती हैं। यहाँ से नेपाल के लिए एक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण चल रहा है। दरअसल नेपाल की तरफ एक ड्राई पोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण के बाद भारत नेपाल को ज़रूरत का सामान इसी वैकल्पिक मार्ग से भेजा करेगा। साढ़े 7 बजे हम खटीमा पहुंच गए। खटीमा से भी कुछ सवारियों को बैठाने के बाद हम आगे बढ़ गए। अब खटीमा से यह बस NH9 को छोड़कर NH731 पर आ जाएगी। पहले यह स्टेट हाईवे था, लेकिन हाल में ही इस सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा मिला है। अब यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही हम मझोला पहुंच गए। यह स्थान आधा उत्तराखंड के हिस्से में आता है और आधा उत्तर प्रदेश के हिस्से में। अभी हम उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में हैं। इसके बाद फिर हम उत्तराखंड वाले हिस्से में आ जाएंगे और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में। ऐसी स्थिति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कई जगहों पर देखने को मिलती है। आठ बजे हम पीलीभीत पहुंच गए। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है जो अपने टाइगर रिजर्व के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस जिले का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों और टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है, जो यहां की जैव विविधता को संरक्षित करता है, जिससे यह क्षेत्र भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नौ बजे हम पूरनपुर पहुंच गए। पूरनपुर भी पीलीभीत जिले में ही आता है। यहां पर हमारी बस डिनर के लिए 20 मिनट रुकेगी। इस कृष्णा ढाबा पर ही पिथौरागढ़ डिपो की बसों का डिनर हॉल्ट रखा गया है।
फिर खाना खाने के बाद हम आगे की ओर चल पड़े। साढ़े 11 बजे हम लखीमपुर पहुंच गए। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का नेपाल की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला है। यहाँ से हमारी बस सीतापुर शहर के अंदर नहीं जाएगी। दरअसल रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर का कार्य प्रगति पर है। अब हमारी बस यहाँ बाईपास से ही चले जाएगी। अब सीतापुर से लखनऊ की दूरी मात्र 90 किलोमीटर ही रह गई है। लगभग रात के 2 बजे हम लखनऊ शहर में प्रवेश कर गए। शाम के समय यहाँ इतना ट्रैफिक होता है कि लखनऊ से बाहर निकलने में इस बस को 1 घंटा लग जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लखनऊ में उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी निवास करती है और उनकी सुविधा के लिए UTC द्वारा लखनऊ से रोजाना 11 बसों का संचालन किया जाता है। इनमें देहरादून ग्रामीण, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत, काठगोदाम, रुद्रपुर, रामनगर, टनकपुर और पिथौरागढ़ डिपो की बसें शामिल हैं। इनमें कुछ बसें सुबह चलती हैं जबकि कुछ दोपहर बाद। अब हम धीरे धीरे अपनी यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे थे। करीब 17 घंटे लंबी यात्रा अपने अंत तक पहुंच गई। हम पिथौरागढ़ से यहां तक हंसते गाते और मजे करते हुए आए। आज का सफर भले ही कितना भी लंबा रहा हो, लेकिन जो यादें बनी हैं, उन्होंने इस यात्रा को और भी खास बना दिया है। 2:30 बजे हम केसरबाग बस अड्डे पहुंच गए। यहां सवारियों को उतारने के बाद यह बस आगे पार्क हो जाएगी और फिर शाम 4:30 बजे पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगी। उत्तराखंड के लिए UTC की अन्य सभी बसें यहीं केसरबाग से संचालित होती हैं। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और इस यादगार यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखी है तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप मिलते हैं अगली किसी नई बस यात्रा में। धन्यवाद।